हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष को महावीर जयंती मनाई जाती है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तप करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। भगवान महावीर ने दूसरों के दुख दूर करने की धर्म वृत्ति को अहिंसा धर्म कहा। अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया और संसार का मार्गदर्शन किया, साथ ही दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए। ये सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य हैं। जैन धर्म के 5 मूल सिद्धांत हैं। ये जीवन जीना सिखाते हैं और भीतर तक अनंत शांति आनंद की अनुभूति देते हैं। भगवान महावीर के अनुसार अहिंसा परमो धर्म है। इसे 3 जरूरी नीतियों का पालन करके समन्वित किया जा सकता है। इसमें से एक है कायिक अहिंसा, यानी किसी को कष्ट न देना। अहिंसा को मानने वाले किसी को पीड़ा, चोट, घाव आदि नहीं पहुंचाते। इसके अलावा मानसिक अहिंसा, यानी किसी के बारे में अनिष्ट नहीं सोचना। इसमें किसी भी प्राणी के लिए अनिष्ट, बुरा, हानिकारक नहीं सोचना है। इसके अलावा बौद्धिक अहिंसा आती है, यानी किसी से भी घृणा ना करना। दूसरा सिद्धांत सत्य है। भगवान महावीर का यह सिद्धांत हमें हर स्थिति में सत्य पर कायम रहने की प्रेरणा देता है। इसे अपनाकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, यानी अपने मन और बुद्धि को इस तरह अनुशासित और संयमित करना चाहिए ताकि हर स्थिति में सही का चुनाव कर सकें। तीसरा सिद्धांत अपरिग्रह। इसे अपने जीवन में उतारते हुए मानते हुए जैन साधु अपने पास पैसा नहीं रखते। इससे ये सीख मिलती है कि आपको जीवन में जितने की जरूरत है उतना ही संचय करें। अपरिग्रह के 3 आयाम बताए गए हैं। इसमें से एक है वस्तुओं का अपरिग्रह, यानी वस्तुओं की उपलब्धता या उनके ना होने पर दोनों ही स्थितियों में समान भाव से रहना, मानसिक और शारीरिक रूप से व्याकुलता नहीं होना। इसके अलावा व्यक्तियों पर अपरिग्रह, यानी व्यक्ति जहाँ भी रहे, फिर चाहे वह जनसमूह हो या एकांत हो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहे। वहीं इसके अंतर्गत माना जाता है कि कोई भी विचार संपूर्ण नहीं होता, केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही परम और संपूर्ण है। चौथा सिद्धांत है अस्तेय। अस्तेय सिद्धांत का अर्थ केवल दूसरों की वस्तुएं चुराना नहीं है, यानी इससे चोरी का अर्थ सिर्फ भौतिक वस्तुओं की चोरी ही नहीं, बल्कि यहाँ इसका अर्थ खराब नीयत से भी है। अगर आप दूसरों की सफलताओं से विचलित होते हों तो भी यह इसके अंतर्गत आता है। वहीं इसका गहन आध्यात्मिक अर्थ इस तरह बताया गया है कि शरीर, मन, बुद्धि को मैं नहीं मानना। भगवान महावीर का 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य है। इसका अर्थ अविवाहित या कुंवारा रहना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति का अपनी आत्मा में लीन हो जाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने अंदर छिपे ब्रह्म को पहचानना। भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन प्रेरणादायी है। उनके सिद्धांतों का सार यही है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।